गरीब बच्चों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से सहजनवा क्षेत्र में स्थित खाटू मंदिर प्रांगण में आयोजित एक सादे समारोह के दौरान 10 बच्चों को चेक वितरित किया गया। बीएसएस ग्रुप ऑफ कंपनी के अंतर्गत हर एक का सहारा खाटू श्याम चैरिटेबल एसोसिएशन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े इन बच्चों को चेक प्रदान किया गया। चैरिटेबल एसोसिएशन के सदस्य हरिशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि गरीब बच्चों का पठन पाठन सही से हो सके, इसलिए इन बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए चेक दिया गया है। किस प्रकार बच्चों को चेक दिया गया, क्या है? देखिए, ये एक बीएसएस ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि हमारे छोटे भ्राता विनय श्रीवास्तव जिसके सीईओ हैं और ये दिल्ली में है स्थित है, और उसी कंपनी के द्वारा ये इस मंदिर का निर्माण, खाटू श्याम मंदिर और समय माता का मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। तो इस संस्था का, जैसा कि एक एनजीओ है, मतलब इस कंपनी का एक एनजीओ चला रही है जिसका हारे का सहारा खाटू श्याम चैरिटेबल एसोसिएशन के नाम से है, और उसका ये है उद्देश्य, ये है कि जो अति गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, तबके के बच्चे हैं जो पढ़ने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके पूरे मतलब पढ़ाई का खर्चा जो है वो ये चैरिटेबल संस्था उठा रही है। तो इस साल जो है 10 बच्चों का जो है वो हम लोग, मतलब इस कंपनी ने जो है इसका बीड़ा उठाया है, और 10 बच्चों को जो है उनको चेक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको वितरित किया गया है, और इसमें यह है कि 700 रुपये करीब पर मंथ के जो है वो इसका मैक्सिमम लिमिट है, और जिसमें ड्रेस और कपड़ों उपड़ों का कुछ अलग से है। तो अभी हम देखे हैं, आप जैसा देख रहे होंगे, करीब 5000 से ऊपर के करीब करीब सभी बच्चों का जो है वो चेक है, ये तिमाही चेक है, और इसी तरीके से फिर अगले तिमाही में हम प्रदान करेंगे, और इन बच्चों को जो है वो, इनको जो है वो हाई स्कूल तक की शिक्षा का। देखिए, चयन इसका जो है बहुत ही मतलब एकदम स्पष्ट है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। एक निश्चित कंपनी के द्वारा एक फार्म हम लोगों ने यहाँ पे वितरित किया था, और उस फार्म को भरने के बाद जो है सारी चीज़ें कि कितनी आय है उसके हिसाब से वो दिल्ली हेडक्वार्टर को भेजा गया बीएसएस कंपनी, और वहाँ लॉटरी द्वारा जो है इसको निकाला गया है। तो इनके सारे डाटा, इनके अकाउंट्स नंबर और सारी चीज़ें हैं। तो जितने लोगों ने, जैसे मान लीजिए जितने में हुआ, उसमें 10 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। क्या अगले साल भी इन्हीं बच्चों को दिया जाएगा कि दूसरे बच्चों? नहीं, बच्चों को बढ़ाया जाएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे इस साल 10 बच्चे हैं तो अगले साल 20 बच्चे भी हो सकते हैं, या और कुछ और ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, इनको दिया जाएगा, लेकिन इनमें कंडीशन है। देखिए, इनको राशि जो वितरित की गई है तो उस राशि का सदुपयोग हो, इसके लिए इनको शर्त दिया गया है कि ये अपना 80% कम से कम जो है मार्क्स ले आए, ताकि इनको दो अगले साल के लिए भी इनको दिया जाए। तो इसके लिए ये किया गया है ताकि बच्चे इसको लगन से पढ़ें, पढ़ाई करें। कितने बच्चों का भेजा गया था यहाँ से? करीब 50 लोगों का भेजा गया था, जिसमें 10 बच्चों का किया था। मेरा नाम हरिशंकर श्रीवास्तव है, जो मैं विनय श्रीवास्तव का भ्राता हूँ, बड़ा भाई हूँ, और आज ये चूँकि हमारे छोटे भाई कुछ अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं आ पाए, इसलिए मैंने अपने हाथ से जो है और पंडित जी के निर्देशन में जो है वितरित किया। किस तरह से बच्चों का सेवा कार्य किया गया है? बच्चों का सेवा कार्य इस उद्देश्य से किया गया, जो इस कंपनी के CMD हैं श्री विनय श्रीवास्तव जी, वो पास के गांव जो है घासाण के रहने वाले हैं, मूल निवासी जो है, और आपकी जो है ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो वो यहाँ इस मंदिर पे, यह मंदिर महाभारत कालीन है जो है, तो वो यहाँ दर्शन के लिए आए थे। उसके बाद उनके मन के अंदर एक प्रेरणा देवी ने जागृत की, उन्होंने पूरे मंदिर का निर्माण करवाया और खाटू श्याम जी की स्थापना की। ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा होने के कारण जो है आने से एक मन में उनके भावना जागृत हुई कि भाई अति पिछड़ा क्षेत्र है जो है, और खाटू श्याम जी का एक वो है कि वो जो हारता हुआ है उसी को सहारा देते हैं जो है, तो एक उनके अंदर बड़ी पुनीत भावना जागृत हुई कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं और प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ना चाह पा रहे हैं,
माँ बाप नहीं कर रहे हैं, तो वो हुआ पहले शुरू में हुआ कि भाई 5 बच्चे जो है कम से कम यहाँ से लिए जाएंगे जो है। उसके बाद जो है यहाँ से 50 फार्म आया जो है, 500 फार्म भर के गए जो है, और ये माता जी की कृपा रही और इस क्षेत्र का जो है कि 10 बच्चों का जो है और 200 टैलेंटेड और अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो है जिनका चयन हुआ जो है। इसका मापदंड यह है कि हम 2500 रुपये तो किताबों के लिए और जो है 3000 रुपये जो है तक है ड्रेस के लिए, जो 2 पार्ट में दिया जाएगा। गर्मियों के ड्रेस के लिए 1000 रुपये जो है जो भी इस चेक के साथ दिया गया है, और सर्दियों के लिए ड्रेस के साथ साथ स्वेटर जो है गर्म कपड़े के लिए वो जो है दिसंबर जनवरी में पैसा आएगा जो है। फीस का जो है 700 रुपये पर मंथ फीस निर्धारित है। अगर किसी स्कूल की फीस 700 से ज़्यादा है तो वो भी वो मिलेगा 700 रुपये ही जो है, बाकी एक्चुअल पे है। अगर किसी की 400 है तो 400 के हिसाब से, 500 है 500 के हिसाब से, मैक्सिमम 700 रुपये के हिसाब से, और ये क्वार्टरली फीस जो है वो स्कूल को जाती रहेगी जो है। वो इसीलिए जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए चेक द्वारा किया गया ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। इन सब लोगों के आधार कार्ड से लेकर के पूरा जो है जो बैकग्राउंड था जो है, इनके व्यक्तिगत स्तर पर आय के स्रोत का पता करना जो है, ये सब करने के बाद ये बच्चे चयनित हुए जो हैं। और इन बच्चों के माँ बाप को सबसे ज़्यादा इस बात के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर परिस्थिति में बच्चे का मार्क 80% से ऊपर आना चाहिए। अगर 80% से ऊपर नहीं आएगा तो अगले साल बच्चा जो है वो कैरियर नहीं करेगा। ये बच्चे जो इस साल चुने गए हैं इनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो है वो संस्था उठाएगी जो है, ये उनका जो है पावन वो है एम जो है वो उसको उठाएंगे। और इससे होकर बच्चों के अंदर जैसे रहता है कि एक भावना जो है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई बार जो है प्रतिभाएं दब जाती हैं जो है, तो उस चीज़ को उठाने के लिए इसके अलावा जो इस कंपनी के CMD हैं विनय श्रीवास्तव जी, पिछले 1.5-2 सालों से जो है, जैसे अभी सावन मास हुआ, कई बार लोग जो है वो पंडित जी के दक्षिणा के कारण जो रुद्राभिषेक नहीं करवा पाते थे जो है, इस बार उन्होंने पूरे महीने के लिए पंडित जी को रख दिया, सारा रुद्राभिषेक का सामान रख दिया, आप केवल बेलपत्र और लेकर आइए। और ऐसी जो है उनकी मतलब समझिए भगवान की कृपा रही कि 124 रुद्राभिषेक हुआ।